क्या अब ऐसा होने से अब मेरा क्या सिस्टम स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। तो वैसे आपका भी अगर इस तरह से जो है आ जा रहा है फिक्सिंग सी ड्राइव जो है, और ये जो है इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है, तो आप भी जो है इसे होने देना, ये नहीं कि ऑफ़ कर दें या फिर कुछ बटन और दबाएं, ठीक है, आपको कुछ दबाना नहीं है, ठीक है, ये जो हो रहा है इसको होने देना है आपको, ठीक है। हंड्रेड होने से जो हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ऑफ हो जाएगा, फिर से ऑन हो जाएगा, देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है देख पा रहे हैं। और ये फिर से जो है पेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर हो रहा है, यानी कि चलते चलते जो ऑफ हुआ है मेरा सिस्टम, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। अगर आपका भी हुआ होगा तो बस इस तरह से छोड़ देना, होने देना, देख पा रहे फिर से नेक्स्ट में डायमेटिक पीसी। अभी जो भी कुछ हो रहा है मैं आप लोगों को जो है दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना ही कुछ बटन प्रेस कर रहा हूँ, देख रहे हैं क्या होता है। इसके बाद क्या आगे कुछ प्रोसेस होगा कि ऐसे ही यहाँ तक ही, तो ये भी देख लेते हैं। पॉज कर लूँ थोड़ा सा, लेकिन नहीं करेंगे, कितना होता है तभी पता चलेगा कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे में सबको दिखा देता है कि तुरंत वीडियो को पॉज करके स्टार्ट करके दिखा देता है, लेकिन मैं पॉज नहीं कर रहा, जितना होता है होने को, जितना टाइम लगता है आपको भी पता चले कि कितना टाइम लगता है इसमें। लोड इसलिए लग रहा है कि अचानक बंद हुआ।
हुआ और आप देख पा रहे हैं ये चीज जो है आ गया। ठीक है, क्या ये रिपेयर होगा, क्या एडवांस पे जाना है कि शट डाउन पे जाना है? तो हम शट डाउन करेंगे। ठीक है ठीक है, हम शट डाउन करेंगे किसी को, है ना, शट डाउन। तो गाइस मैंने इसे शट डाउन कर दिए हैं, अब जो है ऑटोमेटिक फिर से ये स्टार्ट होगा कि नहीं होगा या फिर देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमको। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, हमको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर से हम इसे स्टार्ट करेंगे। फिर से स्टार्ट कर लिए हैं और फिर से एक बार विंडो लोडिंग ले रहा है। अब देखते हैं इसके बाद जो है क्या आता है। बस अभी तक लोडिंग में है। ये जो हालांकि आपका सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाता है चलते चलते, ठीक है, ऑफ हो जाता है पावर की वजह से, ठीक है, या फिर बैटरी ख़राब है फिर ऑफ होने के चलते चलते आपका सिस्टम किसी भी तरह से ऑफ हो जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो लोग इस फिर से और एक बार ये चीज़ देखने को मिला। ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या होता है आगे। फिर से ऑफ, फिर से ऑन, अब क्या प्रॉब्लम है? फिर से रिपेयर, फिर से रिपेयर होने लगा गाइस, फिर से। ठीक है, अब देखते हैं इस बार क्या होता है। फिर से उसी तरह अगली कतरा, फिर से इसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। सेम जो है वही प्रोसेस दोहरा रहा है। इसके बाद आ गया था कि शट डाउन करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो गाइस देख पा रहे फिर से वही प्रोसेस। ठीक है, तो अब जो हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं शट डाउन करके देखे टर्न ऑफ पीसी कंटिन्यू विंडो 10 ये करेंगे। ठीक है, फिर से ऑफ हो गया डिस्प्ले, फिर से ऑन हो गया। अब देखते हैं क्या होता है, फिर से वही प्रोसेस। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। गाइस अगर फिर से वही प्रोसेस आया तो हम अपना जो है सीपीयू को ओपन करना पड़ेगा और उसका पावर, उसका डाटा केबल, जो पावर केबल सही है उसका डाटा केबल को चेक करना पड़ेगा और अच्छे से साफ करके लगाना होगा। उसके बाद जो हमारा सिस्टम ओके हो